प्रीमियम बेजललेस डिजाइन हो, शानदार डिस्प्ले हो, बढ़िया स्पीकर क्वालिटी हो, 65 इंच के बड़े स्मार्ट टीवी हो, ऐसे अगर आपकी भी ख्वाहिश है तो ये वीडियो आप ही के लिए, बिल्कुल मिस मत करिएगा। मैं आपको बताऊंगा 65 इंच के बढ़िया शानदार स्मार्ट टीवी जो आप इस समय खरीद सकते हैं अमेज़न के जरिए। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित अरोरा, तो शुरू करें। सबसे पहले आता है TCL की तरफ से आने वाला ये शानदार स्मार्ट टीवी जो कि 65 इंच का बड़ा स्मार्ट टीवी है। कीमत की अगर बात करें तो 49,990 रुपीज में आप इसे इस समय अमेज़न से खरीद सकते हैं। ये स्मार्ट टीवी एक 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट टीवी है और इस स्मार्ट टीवी में आपको 65 इंच की बड़ी डिस्प्ले तो मिलती है लेकिन साथ में 60Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 178 डिग्रीज के व्यूइंग एंगल, यानी कंटेंट एंजॉय आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। इवन अगर चाहें तो गेमिंग भी इस पे अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कनेक्टिविटी कैसी है ये जान लेना जरूरी है। तो इसमें आपको 3 HDMI पोर्ट मिल जाते हैं, एक USB पोर्ट मिल जाता है, डुअल बैंड वाईफाई भी है, लेटेस्ट ब्लूटूथ का सपोर्ट भी है और हेडफोन जैक का भी सपोर्ट आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल कनेक्टिविटी के मैटर में भी ये बढ़िया ही लग रहा है। साथ ही अगर साउंड आउटपुट की बात करें तो 24W का डॉल्बी ऑडियो सपोर्टेड साउंड आउटपुट आपको इसमें देखने को मिलता है, विच इज वेरी गुड। साथ ही इसमें आपको गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है जो कि एक काफी इजी टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके साथ में इसमें जो पैनल आपको दिया गया है वो A+ ग्रेड पैनल है। तो इसका मतलब यह है कि जब आप इसमें कोई कंटेंट एंजॉय करेंगे तो जैसे आप किसी और टीवी पे उस पे देखते थे उससे थोड़ा बेटर आपको इसके पैनल पर देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें आपको 2GB की रैम और 16GB की इंटरनल स्टोरेज भी मिल जाती है और कई सारे OTT प्लेटफॉर्म जो है वो प्री इंस्टॉल्ड ही मिल जाते हैं, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। और जो रिमोट है वो भी बहुत ही इजी टू यूज है, मल्टीटास्किंग उस रिमोट के जरिए आप जल्दी जल्दी आराम से कर सकते हैं। अब आता है LG की तरफ से आने वाला ये 65 इंच का बड़ा स्मार्ट टीवी। थोड़ी सी इसकी कीमत भी ज्यादा है, 70,499 रुपए के आसपास ये आपको Amazon पर इस समय मिलता है, लेकिन इसका प्राइस ड्रॉप हुआ था रिसेंटली, ये हो सकता है फिर से और कम प्राइस में मिल जाए। मैंने इसका प्राइस जब ड्रॉप में देखा था तो अराउंड 65,000 के आसपास था, हो सकता है किसी सेल में आप इसे और सस्ते में भी ले सकते हैं। लेकिन ये स्मार्ट टीवी एक काफी बढ़िया चॉइस है क्योंकि ये काफी प्रीमियम बेजललेस डिजाइन के साथ आता है तो दिखने में तो कूल लगता है ये। साथ ही में ये स्मार्ट टीवी जो है 4K अल्ट्रा HD पैनल के साथ आता है और इसमें आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, 178 डिग्रीज व्यूइंग एंगल, यानी आप इस पे हर तरह का कंटेंट बिना किसी दिक्कत के एंजॉय कर पाएंगे। साथ ही एक अच्छी बात यह है कि LG की टेक्नोलॉजी की वजह से इसमें आपको 4K अपस्केलर देखने को मिलता है, यानी आप इसमें अगर कोई नॉर्मल HD कंटेंट देखते हैं तो उसको वो थोड़ा अपस्केल करके आपको 4K जैसी क्वालिटी देने की कोशिश करेगा, वो काफी ज्यादा अच्छा होता है। साथ ही इसमें आपको अल्फा 5 जेन 6 AI प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि LG का एक शानदार प्रोसेसर है, मतलब काफी अच्छे से आप इसमें ऐप स्विचिंग भी अगर करेंगे तो आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगा जल्दी जल्दी अगर आप करते हैं तो। इसके साथ जो रिमोट आपको मिलता है वो भी काफी इजी टू यूज है। लेकिन कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो 3 HDMI पोर्ट है, 2 USB पोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई है, लेटेस्ट ब्लूटूथ का भी सपोर्ट है, यानी इसमें कनेक्टिविटी की वाइज आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसमें आपको डुअल चैनल स्पीकर देखने को मिलता है, 20 वॉट के शानदार स्पीकर भी आपको मिल जाते हैं, तो आपको इसके साथ में स्पीकर्स अलग से खरीदने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो आप इसके जरिए आराम से अपना कोई साउंड सिस्टम भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 5.1 चैनल मिक्सर देखने को मिलता है, यानी इसके जरिए अगर आप कोई अपना साउंड सिस्टम भी सेट करना चाहें तो वो इजिली कर सकते हैं, वो परफेक्टली काम भी करेगा। और LG के जितने भी स्मार्ट टीवी होते हैं इसमें वेब OS जो LG का ही एक OS है ये देखने को मिलता है, वो काफी इजी टू यूज है। अगर आपके घर के बड़े भी उसे इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वो इजिली उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक अच्छी बात यह कि इस पर आपको जो है एड्स बहुत कम ही देखने को मिलते हैं और इस स्मार्ट टीवी में आपको गेम ऑप्टिमाइजर्स भी देखने को मिल जाते हैं। साथ में 1.5 GB की रैम है और 8 GB की इंटरनल स्टोरेज है, लेकिन आपको इसके अंदर सारे ही लेटेस्ट OTT प्लेटफॉर्म्स प्री इंस्टॉल्ड ही मिलेंगे, लेकिन चाहें तो आप अपने हिसाब से और भी इंस्टॉल कर सकते हैं। 1 साल की वारंटी के साथ भी आता है ये स्मार्ट टीवी, तो आप इसके साथ में थोड़ा फ्यूचर प्रूफ भी हो जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आता है सोनी ब्राविया की तरफ से आने वाला ये 65 इंच का बड़ा स्मार्ट टीवी। अमेज़न पे इस समय इसकी कीमत है 74,990 रुपीस, हाँ थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अगर आप एक प्रीमियम बड़ा स्मार्ट टीवी चाहते हैं तो आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। ये स्मार्ट टीवी एक काफी बढ़िया चॉइस इसलिए है क्योंकि इसमें खूबियां इतनी सारी है कि मैं बताते बताते ही थक जाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। इसमें आपको 4K अल्ट्रा HD पैनल देखने को मिलता है, 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ और 178 डिग्री व्यूइंग एंगल, ठीक है, इसका मतलब आपको जो पैनल है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलता है। प्रोसेसर की बात करें तो X1 4K प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि सोनी का एक काफी अच्छा प्रोसेसर है, तो आप इसमें ऐप स्विचिंग करना चाहेंगे तो भी आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही इसमें सारे ही लेटेस्ट OTT प्लेटफॉर्म्स आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं। आप जितने भी एक स्मार्ट टीवी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जितने भी स्मार्ट फीचर्स की आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो सभी आपको मिल जाते हैं। जैसे आप क्रोमकास्ट आपको बिल्ड मिल जाता है क्योंकि इसमें गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम है, साथ में एलेक्सा भी आपको मिल जाता है, और भी जितने भी आपके एक्सपेक्टेशन एक स्मार्ट टीवी से वो सभी ये फुलफिल करता है। अगर इसके स्पीकर आउटपुट की मैं बात करूं तो इसमें आपको
20 वॉट का स्पीकर आउट देखने को मिलता है, जो कि एक डिसेंट अच्छा स्पीकर आउटपुट मैं कहूंगा। और कनेक्टिविटी का जैसे मैंने बताया था कि 3 HDMI पोर्ट हैं, 2 USB पोर्ट हैं, डुअल बैंड वाईफाई भी है और साथ ही में लेटेस्ट ब्लूटूथ का सपोर्ट भी आपको इसके साथ मिल जाता है। तो अपने गेमिंग कंसोल हो या अपना सराउंड सिस्टम आपको लगाना हो, कुछ भी आप इससे इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ परफेक्टली काम करता है। तो फिलहाल हम दोनों तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं कि कौन सा स्मार्ट टीवी सबसे अच्छा है, लेकिन आपको इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन अगर आप मुझसे मेरी राय पूछना ही चाहेंगे तो मैं LG और सोनी के बीच में काफी तगड़ा कॉम्पिटिशन है और दोनों ही स्मार्ट टीवी एक काफी अच्छी चॉइस है, आप कोई सा भी ले सकते हैं आपके बजट के हिसाब से। चलिए, मैं था आपका दोस्त हर्षित अरोरा, मिलता हूं अगली वीडियो में।